नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिनभर। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शादी में अब 20 की शर्त, हिमाचल में धाम पर रोक, 10 मई तक स्कूल मंदिर बंद, सरकार ने लगाई बंदिशें। लोन की ईएमआई स्थगित और ब्याज माफ करवाए सरकार, कांग्रेस अध्यक्ष राठौर बोले, महामारी में लोगों का कारोबार ठप, कैसे चुकाएंगे कर्ज। रोहतांग की ऊंची चोटियों पर हिमपात, 4 व 5 मई को बारिश के आसार। कोविड मरीजों को 33 और एम्बुलेंस, प्रदेश में कुल 123 कोविड समर्पित एम्बुलेंस लोगों को दे रही हैं सेवाएं। जयराम सरकार की नाकामियों का खामियाजा भुगत रहा प्रदेश, मुकेश अग्निहोत्री ने घेरी भाजपा। कोविड चेन तोड़ने को नगर पंचायत का बड़ा फैसला, मास्क ना पहना तो होगी कार्रवाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड 19 के बढ़ते प्रकोप के दृष्टिगत कई अहम फैसले लिए हैं। सरकार ने अब वैवाहिक और अन्य सभी प्रकार के आयोजनों में सामुदायिक भोज यानी धाम पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य में कोविड 19 की स्थिति की समीक्षा के लिए आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इसके अलावा स्कूल भी 10 मई तक बंद रहेंगे। सरकार ने विवाह और अन्य सामाजिक आयोजनों में केवल 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थान और श्रद्धालुओं के लिए मंदिर भी 10 मई तक बंद रहेंगे। सभी सरकारी कार्यालय में 5 कार्य दिवस होंगे और 10 मई तक कार्यालयों में श्रेणी 3 व 4 की 50% उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने देश व प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते बैंकों से लिए ऋणों की फिलहाल ईएमआई स्थगित करने और बढ़ते ब्याज को माफ करने की सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा, इस समय कारोबार पूरी तरह ठप पड़ा है, लोग इस स्थिति में नहीं है वह बैंकों से लिए गए किसी भी कर्ज की अभी ईएमआई अदा कर सके। राठौर ने कहा कि देश में कोरोना की इस दूसरी लहर ने पिछले साल की भांति इस बार भी लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। लोगों का काम धंधा चौपट हो गया है, बेरोजगारी से युवा परेशान है, बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। कुलदीप राठौर ने कहा, हिमाचल प्रदेश में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि, बागवानी, पर्यटन व इससे जुड़े ट्रांसपोर्ट से ही है। इससे जुड़े सभी व्यवसायियों ने किसी न किसी रूप में बैंकों से ऋण ले रखे हैं। आज कोरोना के बढ़ते मामलों ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। लोगों को अपने परिवार की रोटी की चिंता भी सताने लगी है। राठौर ने प्रदेश सरकार से मांग की है, इस विपदा के समय सरकार सभी प्रकार के टैक्सों व बिलों की वसूली को स्थगित करे। उन्होंने कहा कि बैंकों से ऋणों की वसूली भी तब तक स्थगित की जानी चाहिए जब तक कि कोरोना का कहर कम नहीं हो जाता और देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं लौट आती। लाहौल स्पीति में अप्रैल महीने में मौसम ने करवट ली और वीरवार को दोपहर बाद रोहतांग दर्रा की ऊंची चोटियों सहित कुंजम पास में हल्का हिमपात हुआ। वहीं घाटी में सुबह तेज धूप निकली थी और लोग गुनगुनी धूप का आनंद ले रहे थे, लेकिन दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली और बादल मंडराने लगे। मौसम के बदलते मिजाज को देखकर किसान परेशान नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के ऊंचाई एवं मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में फिर से बारिश व बर्फबारी होने के आसार हैं, जबकि निचले इलाकों में मौसम के साफ रहने के आसार हैं। हालांकि इस बार भारी बर्फबारी व ओलावृष्टि की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सिर्फ हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। 2 मई को प्रदेश के मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में तेज आंधी के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान है। वहीं 5 मई तक प्रदेश में मौसम के खराब रहने की संभावना जताई गई है। 4 और 5 मई को पूरे प्रदेश में बारिश होने के आसार हैं। प्रदेश में कोविड मरीजों को सुविधा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कोविड समर्पित 33 और एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई हैं। इनमें 108 एम्बुलेंस सेवा की 13 व 102 एम्बुलेंस सेवा की 20 एम्बुलेंस शामिल है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया, प्रदेश में कुल 123 कोविड समर्पित एम्बुलेंस लोगों को सेवाएं दे रही हैं। हिमाचल में नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कोविड के बिगड़ते हालात के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जिम्मेदार ठहराया है। अग्निहोत्री ने ऊना में पत्रकारों से कहा कि जयराम सरकार की गलत नीतियां प्रदेश पर भारी पड़ रही हैं और उसकी कीमत लोगों को जान गंवाकर चुकानी पड़ रही है। जयराम सरकार हर समय कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाती रही है, लेकिन हमने जब जब सवाल खड़े किए हैं तब तब व्यवस्थाओं को बनाने के लिए जयराम सरकार जागी। प्रदेश में लगातार कोरोना रोगियों की संख्या बढ़ रही है, हमारे पास सिस्टम पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, हम पहले हिमाचल प्रदेश की सुरक्षा का इंतजाम करेंगे, दिल्ली के लिए केंद्र सरकार व्यापक प्रबंध करेगी,
उसकी जिम्मेदारी है। हमें हिमाचल को सुरक्षित करना है और उसके बाद दूसरा कोई कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा, आज तो ये भी निर्णय किया जाना था कि अगर हिमाचल का कोई व्यक्ति बाहरी प्रदेश में कोविड के कारण इलाज से महरूम है तो उसे हिमाचल में लाकर इलाज दिया जाना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है। अगर इस हालात में भी सरकार नहीं जाग रही है तो यह साबित होता है कि कोविड काल में भी जयराम सरकार विफल साबित हो रही है। कोरोना से निपटने के लिए अब पंचायतें भी आगे आने लगी हैं। जिला कुल्लू की नगर पंचायत में अगर अब कोई व्यक्ति बिना मास्क या फिर कोरोना नियमों की अवहेलना करता हुआ पाया जाता है तो पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा भी कार्रवाई की जाएगी। इसी के तहत वार्ड स्तर पर वार्ड सदस्यों की अध्यक्षता में कमेटियों का गठन भी किया गया है। गत दिनों से नगर खंड में कोविड 19 के पॉजिटिव संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते ग्राम पंचायत नगर ने अधिसूचना जारी की है। इस महामारी से बचाव के लिए आम जनता से मास्क पहनना व सामाजिक दूरी की पालना करना अति आवश्यक कर दिया गया है। और इन्हीं खबरों के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। हिमाचल की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमाचल दस्तक वेब टीवी। दिल से दिमाग तक।